यूपी के पीलीभीत में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई खबर सड़क हादसे को लेकर आती रहती है, जिसमें अधिकतर घटनाएं नवयुवकों के साथ घटित होती हैं। पुलिस अधीक्षक की सख्ती के बावजूद हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा मामला पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बाइक और मैजिक में जोरदार भिड़ंत होने से दो युवकों की जान चली गई, जिसमें गुरचरण सिंह उम्र 20 वर्ष, गुरमेल सिंह महज उम्र 18 वर्ष की सड़क हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक पूरनपुर के गांव अमृतपुर व अभयापुर के निवासी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ही छात्र थे, जो पढ़कर पूरनपुर से घर जा रहे थे। तभी रास्ते में तेज रफ्तार टाटा मैजिक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को मैजिक में डालकर जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। गुस्साए परिजन तोड़फोड़ करने लगे तथा पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। माहौल बिगड़ता देख अपर पुलिस अधीक्षक रोहित मिश्रा दलबल के साथ पहुँच गए तथा कठोर कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को समझाया। वहीं परिजनों का आरोप है कि सरकारी एम्बुलेंस चल रही है, फिर मैजिक से क्यों अस्पताल भेजा गया? अगर एम्बुलेंस से भेजा गया होता तो शायद उनके बच्चों की जान बच गई होती। कि हमारे ही दो बच्चे थे, गुरजंट सिंह, गुरचरण सिंह, दूसरा गुरचरण, गुरचरण, वो दोनों बच्चे मोटरसाइकिल से ड्राइव करते हुए आ रहे थे। उनका एक्सीडेंट अचानक हो गया पूर्व तहसील के एरिया में मेन रोड पे, तो वहाँ अज्ञात वाहन उससे टक्कर मार गया, तो उनको वहाँ चोटें गंभीर थी, सिर की चोटें थी। वहाँ हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस साहिबान आए अधिकारीगण, उन्होंने वहाँ किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, उनके गार्जियंस पहुँचे, उनको भी मिसगाइड करते हुए कुछ नहीं बताया, और वो ढूंढते थे कि कहाँ है हमारे बच्चे जिनको चोट है, हम उनका ट्रीटमेंट करवा पाएँ। मगर प्रशासन पुलिस ने क्या किया कि वहाँ से एक मैजिक मिला था लोकल वाला पकड़ के, और उस पर लाद कर, और ये नहीं हम लोगों को कन्फर्म हो पाया कि किस रास्ते से वो लाए। हम उनसे पहले जिला अस्पताल पर पहुंच गए थे, मगर हमारे बच्चों के यहाँ वो डेढ़ दो घंटे बाद वो बच्चे पहुंचे, और रास्ते में आते हुए उनका इनकी दरिंदगी के कारण हत्या हो गई। हम ये चाहेंगे, ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये पूरनपुर से जिला अस्पताल बच्चे पूरनपुर से घर आ रहे थे। ये पढ़ते हैं क्या? हाँ जी पढ़ते हैं, पढ़ते हैं दोनों, किसी काम के लिए स्टूडेंट है। कौन से क्लास के छात्र हैं ये? लगभग 10, 11, 12, 11वीं, 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं जी। और मेरी ये विनती है कि सरकार से कि ये जो घटना हुई है इसको गंभीरता से लिया जाए और पुलिस प्रशासन के साथ सख्त कार्रवाई की जाए। बड़ी लापरवाही की वजह से हुई, अगर लापरवाही नहीं होती तो बच सकती थी, बच सकते थे बच्चों की जान। यहां तक क्या 2.5 घंटे लगते हैं पूरनपुर से पीलीभीत? बोलो तुम जो मैजिक पकड़ ली गई, बताया जा रहा है मैजिक के वाला अभी पुलिस की टीम लगी हुई। देश विदेश की राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।